आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Who among the following proposed the triplet nature of genetic code? यहाँ पे पूछा गया है कि first time जो triplet nature of genetic code है उसे किन साइंटिस्ट ने बताया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन से साइंटिस्ट का यहाँ पे बात बताया गया है। तो फर्स्ट है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने जो काम किया था वो था ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस जो कि कोडॉन बेस्ड ही था। नेक्स्ट है जो मार्शल नाइडेनबर्ग है और ये भी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस पे ही काम किया था और कोडॉन्स जो है वो इनके सिंथेसिस पहले ही बन चुका था। नेक्स्ट है जॉर्ज गैमका और जॉर्ज गैमाओ जो है ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ट्रिपलेट कोडोन को निकाला था और ट्रिपलेट हिसाब से उन्होंने कहा था कि कोडोन्स जो है वो ट्रिपल स्ट्रक्चर्स के रहते हैं जैसे ए ए ए क्यू ए जी ऐसे और यही तीन जो कोडोन्स हैं ये मिलके सिंथेसिस करते हैं एमाइनो एसिड को और जिस एमाइनो एसिड को ये सिंथेसिस करते हैं वो एक इंडिविजुअल कोडोन ही होता है। यानी ये एक कोडॉन मान लीजिए किसी एक एमाइनो एसिड जैसे वैलिन को सिंथेसिस करता है तो ये दूसरे किसी एमाइनो एसिड को सिंथेस नहीं कर पाएगा और यही चीज जो है ये जॉर्ज गैमाओ ने 1950 में बताया था। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाता है थर्ड ऑप्शन और उसी को हम लोग टिक कर लेंगे। लास्ट है वाई सुब्बाराव और ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को निकाला था जो कि एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है। तो इसी के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाता है थर्ड ऑप्शन और उसी को हम लोग टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।